इतिहास के चाहते ही ना मार गए आने वाले समय मतलब नहीं समझ सकते। इंसान ये देवता भी है और शैतान भी है। देवता बुराई नहीं कर सकता कहते ने, शैतान तो नेकी का आस नहीं, मगर इंसान है जो बुराई भी कर सकता नेकी भी कर सकता। जीवन ने केड़े वे पलट जाना है कोई नहीं कहा जा सकता। नादर शानशाह बन के इतने आया है, कदे लुटेरिया का डाकुआ का सरकर्दा लीडर सी, ईरान दे रहन वाले अफगानी उठे पठान इन्हें ईरान उत्तर निश कर दिता बर्बाद कर दिता। सो डाकुआ के लीडर विच कौमी अणख जागी, कौमी लीडर बन के अगे वध्या नादर। केवल ईरान को आजाद नहीं कराया, सारे अफगानिस्तान से कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान से कब्जा करके रुकया नहीं, गेतू के मन में संतोख नहीं होया करता, दिल्ली बर्बाद की थी। कोई नूर और होर तख्ते ताउस और करोड़ों का माल लैके इतों चले आ गए, तो नाल ही बहुत सारिया लड़कियां टक्का मन तुरे है। मर सिंह की दलेरी देखो, नादर आया सुका नहीं दान दिता, रात लुटिया जी करके बहुत सारिया लड़कियां छुड़ा गया तो वापस खेतियां। वापस गया नादर मौत तनावों के हेठ नहीं जानता, वो अपने आदमियों के हथों कतल हो गए। तो कातला शिकस्त दे के अहमद शाह अब्दाली बादशाह बन गया अफगानिस्तान का। अहमद शाह अब्दाली ने 11 हमले किए हैं पंजाब ते। पहले हमले में माणूपुर की लड़ाई में मीर मनू तो पूरी तरह हार के मुड़िया है। तीसरी बार आया है, लाहौर फतेह कर लिया है और मीर मनू उसके मातहत हो गए। दलेर बंदियों में कोई जरूरत भी होया करती, जिसे मीर मनू है कैदी की इसलिए सामने खलोता है अब्दाली दे। अहमद शाह अब्दाली ने पूछा, मीर मनू ये तू मैनू जित लैनो तो फिर की कर दूँ? कहिंदा मैं तेरा सिर वढ़ के अपने बादशाह के चरणों में पेज देना। कहिंदा हूँ तू मेरे कब्जे च है, तेरे नाल की सलूक किया जाए? कहिंदा जे तू कसाई है मैनू कतल कर दे, जे तू व्यापारी है मैनू वेख दे दस की नजराना लैना है, तो जे तू बादशाह है तो मैनू अपनी सदर छाया थले लै लै। इन्हें मौत होया अब्दाली, उसने मीर मनू नू अपने वालों लाहौर का गवर्नर थाप दिता गया कि ते रखो खालसा जी, जिस वे घर में फुट है वही बर्बाद होया करता है। उस वेले मीर मनू की सब तो वड्डी ताकत कौड़ा मल सी, जिसनों सिख मिठा मल कहा करते सन। सारी शक्ति उन्होंने सिखा के आसरे ते है, मगर तंगदिल मुसलमान जो मीर मनू के वफादार हवाते हैं अंदरों खोटे हो चुके हैं। जिस वे सिख अगे वध के रावियों पार अब्दाली का टाकरा करन वास्ते गए सन, जिन्हों का लीडर सरदार सुखा सिंह माड़ी कंबो के इतों के रहने वाला जरनैल सी, पिछों मुसलमानों ने गोलियां चलाइया, सामने दूसरिया दलिया ने, सुखा सिंह उत्थे शहीद हुए, झंडा कढ़ दिता है। तो कहिंदा है कि सुखा सिंह माड़ी वाले की आखिरी समाध यह है, शहीदों रावियों पार होए, लोथ भी नहीं मिली दुश्मन के हथ में आई है, तो वो समाधि इतने आ गई है। जे यही चीज तरीका चलता रहा तो इतिहास जिंदा किवें रहेगा? इतिहास में संभालना एक कौम के आगुआ का काम है। खैर मैं अर्ज कर रहा सी, दूसरी लड़ाई तीसरे हमले में मीर मनू कब्जे कर लिए, तो मीर मनू नू ये शिकायत की गई मौलवियों वालों, तेरी शिकायत का तेरी हार का कारण केवल सिख हैं, जे ये वफादारी ना लड़ते कदे ना हारते, सिखां का दुश्मन बना देता है। मीर मनू दे वेले जिन्नी अत्याचार होए सिखां उते कहन सुन तो बाहर हैं। मिसाल कायम हो गई सी, मनू साड़ी दातरी, असी मनू दे सोए, ज्यों ज्यों सानू वड़दा असी दूने चौने होए, और आखिर मीर मनू मरिया भी है तो सिखां दे इत्थों ही मरे है। मीर मनू दे मरन दे बाद उहदी बेगम ने बुलाया अब्दाली नू और नाल लेके दिल्ली ते पई। दिल्ली विच एक घर भी अमीरां दा नहीं छड्डिया, जिहदियां खूबसूरत लड़कियां और नूहां उसने ना पकड़ाइयां होण। वृंदावन तक अब्दाली वधिया है, लुटमार कीती है, फौज विच हैजा पै गया, फिर वापस मुड़े। ये चौथा हमला है उसका। तो मीर मनू की बेगम नूं अपना पुत्र मुराद कह के उसनों इतों की सूबेदारी दे गए।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਉਸਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਹੱਟੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਾਠਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਰਾਠੇ ਸਦਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਰੜਕਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਵਾ।